अगर आप किसी एक रिलेशनशिप में हो और उस रिलेशनशिप में अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो जिसको हम बोल सकते हैं पागल, मेरे पास मैक्सिमम कॉल्स आ रहे हैं ना, लोग ऐसी हरकतें करते हैं, मतलब पागल वाली हरकतें कर रहे हैं लोग। एक्चुअल में मेरे को लोगों को समझाना पड़ता है कि आप थोड़ा रिलैक्स हो, आप थोड़ा सा मतलब नेचुरली आपका जो बिहेवियर वैसे शो करो या फिर थोड़ा मेच्योर बनो। लोग एक्चुअल में आपको बताओ सच्ची में लोग पागल जैसे बिहेवियर कर रहे हैं, मतलब समझ नहीं आ रहा उनको, इतने पागल बन चुके हैं किसी इंसान के लिए, क्या करूँ कैसे करूँ कैसे होगा, उसने मेरे को छोड़ दिया, मैं ब्रेकअप हो गया, मैं मर जाऊँगा, कॉल नहीं कर रहा, मैसेज नहीं कर रहा, पहले भाव देता था, बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। इतना भी पागल मत बनो किसी इंसान के लिए कि वो इंसान आपको छोड़ने पर मजबूर हो जाए या फिर छोड़ के चला जाएगा या फिर अगर वो छोड़ के गया है तो वापस आएगा ही नहीं, अगर आप ऐसे पागलपंती करोगे। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले थोड़े से साइकोलॉजी के बारे में, आप जो चीज़ें करो उससे क्या इफेक्ट होता है आपके रिलेशनशिप पे और सामने वाला इंसान क्यों नहीं आता है, क्योंकि आपकी पागलपंती की वजह से, तो वही पागलपंती के बारे में डिस्कस करने वाले। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विथ हरीश। चलिए शुरू करते हैं। अगर आप मुझसे वन एंड वन कॉल पर बात करना चाहते हैं उसके लिए आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करना होगा या फिर इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हैं कॉल बुक कराने के लिए, आप कॉल बुक करा के मुझसे बात कर सकते पर्सनली, जो भी अपनी प्रॉब्लम आप मुझे शेयर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप एक रिलेशनशिप में थे या फिर है, उस इंसान की तरफ से आपको भाव नहीं दिया जा रहा, परेशान हो रहे हो, जैसे मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं उससे मेरे को अभी कॉल करना कम कर दिया, इतने डिस्टर्ब लोग मेरे पास आते, इतना ज़्यादा वो खुद को इतना डिस्टर्ब कर लेते, खुद को इतना परेशान कर लेते, मतलब हम लिटरली मेरे को समझ नहीं आता है कि आप ऐसे पागलपंती या फिर ऐसे बिहेवियर रखोगे तो कौन आपके साथ रहेगा। मैं उसके लिए मर जाऊंगा, मैं उसके लिए, मैंने उसको इतने कॉल किए, मैंने उसको इतने मैसेज किए, मैंने उसको ऐसे बोल दिया, मैंने उसको ये बोल दिया, मैंने उसको ऑनलाइन देखा, मैंने उसको मैसेज किया, वो मेरे को बात नहीं करी, फिर मैंने उसको गुस्सा किया, फिर मैंने उसको गाली दी, मैंने ये किया, इतना पागलपंती, मैंने हर एक चीज़ कर ली पर सामने वाले को फ़र्क नहीं पड़ रहा है। आप जो कर रहे हो उसी चीज़ की वजह से फ़र्क नहीं पड़ रहा है। मैंने अक्सर बताया कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं वो नहीं करनी चाहिए। मैंने अक्सर बताया कि आप ना करो जो भी, अगर मान लो ब्रेकअप हुआ, एग्जांपल ब्रेकअप हुआ है तो लोग बोलते हैं ये कर लिया मैंने, वो समझा लिया मैंने, अरे ब्रेकअप हो गया तो सिंपल चीज़ें साइलेंट रहो। अगर मान लो कोई आपसे बात नहीं कर रहा है, कोई आपको इग्नोर कर रहा है, तो भाई इसमें आपका लॉस नहीं है, उसका लॉस है, वो एक अच्छे इंसान को खो रहा है, वो एक अच्छे इंसान को छोड़ रहा है, आप खुद को तकलीफ क्यों दे रहे हो, आप खुद को क्यों परेशान कर रहे हो, मेरे साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, आपकी गलती ना इसमें, तो आप खुद को ऐसे मतलब प्रेजेंट कर रहे हो सामने वाले की नज़रों में कि यार तू मेरे को छोड़ रहा है, तो सामने वाले की नज़र, देखो ज़्यादा अवेलेबल लोगों की कोई वैल्यू नहीं करता है। जिस इंसान के पास एक्स्ट्रा टाइम है, हमें लगता है कि हम ज़्यादा टाइम देंगे तो हमारी वैल्यू बढ़ेगी, हमने तो सर इतना टाइम दिया, हमने तो एनी टाइम उसके कॉल रिसीव किए, हम तो एनी टाइम उसके लिए अवेलेबल रहे, हम तो एनी टाइम उसको मिलने गए, उसने जो बोला हर चीज़ की, यही तो प्रॉब्लम है। इसको बोलते पागलपंती, वो जो इंसान है उसने ऑब्जर्व कर लिया कि ये पागल है। लोगों को हमेशा ना वो इंसान पसंद है जो कम टाइम दे, लोगों को हमेशा वो इंसान पसंद है जो आप मतलब उसके काबू में ना रहे, या फिर उसकी जो चाहता है ना कि ऐसे में काबू करके रखूँ वैसे ना वो इंसान पसंद है, उसके पीछे भागते, उसको कोशिश करते कंट्रोल करने के, लेकिन कंट्रोल नहीं होता है। लेकिन आप रोबोट बन चुके, एक कंट्रोलिंग मशीन बन चुके, इसके लिए जैसे चाहे वैसे उसका रहा, जब चाहे तब छोड़ रहा है, जब चाहे तब आपके पास आ रहा है, जब चाहे तब आपको छोड़ रहा है या फिर आपको अब्यूजिंग कर रहा है। फिर आप बोलते हैं अरे सर मैंने ऐसा समझा लिया, यार ये पागल वाले हरकत है। इतना भी पागल मत बन जाओ कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को खो दें। सेल्फ रिस्पेक्ट का मतलब होता है जब हमारा जन्म होता है हमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट मिलती है, वो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है मतलब हम जब हमारा जन्म होता है हमारे माँ बाप हमें एक इज्जत देते हैं, जैसे हाँ इसका लड़का है इसकी लड़की है, तो एक हमें एक इज्जत मिलती है, ठीक है, तो उसको हम बोल सकते हैं सेल्फ रिस्पेक्ट। कोई भी इंसान आके आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कीचड़ उड़ा के जा रहा है, धज्जा उड़ा रहा है आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट की, हम उस फिर भी उस इंसान के पीछे सॉरी सॉरी मेरी गलती, अरे गलती नहीं है, फिर भी हम सॉरी बोल रहे हैं, हम कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, चल तूने ऐसे, मेरे पास ऐसे कॉल आते लोग बोलते अरे सर मैं उससे मेरे को धोखा दिया फिर भी मैंने उसको माफ़ कर दिया, तो भी वो नहीं रह रही है, आपने बहुत अच्छा काम किया, अरे धोखा दिया आप सामने से उसको माफ़ कर रहे हो, अरे वो माफ़ी के लायक है नहीं, पहली चीज़ वो माफ़ी मांगेगा नहीं और मांग भी नहीं रहा है, और चलो मांग भी ले फिर भी वो माफ़ी के लायक है नहीं। लेकिन बहुत सारे ऐसे गधे होते हैं जो बताते हैं मैंने तो सामने से उसको माफ़ कर दिया फिर भी उसको वैल्यू नहीं है, अरे भाई यही तो गधापंती कर रहे हो। लोग भी सोचते कि यार कितना पागल इंसान है, इसको मैंने धोखा दिया फिर भी ये मेरे को माफ़ कर रहा है, तो इसीलिए आपको पागल कहा जाता है, इसीलिए आपको छोड़ा जाता है। मैच्योर इंसान के साथ हर लड़की रहती है, मैच्योर इंसान के साथ हर लड़का रहता है, पागलपंती करते हो सब कुछ, सर मैंने आपकी वीडियो देखी, मुझे जो पता है मैंने ये गलती की, मैंने वो गलती की, अब मुझे सब पता है, और उसे ये लड़की ऐसी कर रही है, अरे सब कुछ पता है, मेरी वीडियोज़ देखते हो, आपको ये नहीं करना वो नहीं करना मैंने हर वीडियोज़ में बताया, फिर भी लोग करे जा रहे हो, और फिर बोलते सर ऐसा करा, अरे करेगी ना, तुम पागल वाली हरकतें कर रहे हो, तुम उसको इतने कॉल कर रहे हो, अगर मान लो उसने
ब्लॉक कर दे, अगर जो भी सिचुएशन है, तो आप उस सिचुएशन में उस इंसान को वैसे दिखा रहे हो कि हाँ यार मैं रह नहीं पा रहा हूँ तेरे बिना, मैं तड़प रहा हूँ तेरे बिना, मेरे को काफ़ी तड़पन हो रही, मैं काफ़ी मर रहा हूँ तेरे बिना, मैं तेरे बिना जी नहीं पा रहा हूँ, ऐसे दिखाओगे तो फिर आपको पागल समझा जाएगा, एक पागल की कैटेगरी होती है ना, उसमें डाला जाएगा, पागल है मेरे पीछे, ये इंसान घटिया है, यह इंसान ऐसा है, मेरे पीछे भागता रहता है, ऐसा है ये वैसा है, लोग आपको उस तरीके से जज करते हैं, आप लोगों की नज़रों में ग्रांटेड बन जाते हो, लोग आपको पागल समझते हैं और पागल के नज़रे से देखते हैं, फिर बाद में बोला रहे सर मेरे साथ तो ऐसा, उसने तो ये किया रहा, उसने तो वो किया, करेगा, आप खुद की वैल्यू खुद खो रहे हो, आप खुद की इज्जत खुद खो रहे हो, तो उस वो इंसान क्या आपकी वैल्यू करेगा, वो छोड़ेगा ही आपको, ऑब्वियसली छोड़ेगा, आपकी तरफ से हरकतें वैसी ना, आप एक्स्ट्रा अवेलेबल हो ना, आप ज़्यादा भाव दे रहे हो ना, आप ज़्यादा इज्जत दे रहे हो ना, कोई ज़रूरत नहीं उस इंसान को इतनी इज्जत देने की, जो इंसान आपकी वैल्यू नहीं कर रहा है, जो इंसान आपसे सही से ढंग से बात करना ज़रूरी नहीं समझता, हम फिर भी उसकी वैल्यू कर रहे हैं, हम फिर भी उसके पीछे भीख मांग रहे हैं, हम उसकी इज्जत कर रहे हैं, वो हमें अब्जिंग कर रहा है, फिर भी हम उसको अरे सॉरी ना सॉरी, सॉरी किस चीज़ का, मेरे पास ऐसी इरिटेटिंग वाले कॉल आते हैं, लोग इरिटेट कर जाते हैं मेरे को भी कि सर उसने मेरे को गाली दी फिर भी मैंने सॉरी बोला, अरे गाली वो दे रहा है सॉरी आप बोल रहे हो, ऐसे कॉल भी आते हैं, ऐसे लोग भी है, और मेरे उससे मेरे को मारा फिर भी मैंने उसको, मतलब मैं उसके पास गया सामने से मैंने मैसेज किया, बहुत बड़ा काम किया आपने, अरे वो आपको मारा फिर भी आप जा रहे हो उसके पास, तो फिर आपको मारी पड़ेगी, गालियाँ भी पड़ेगी, क्योंकि वो इंसान पूरी तरीके से समझ लेता है, पूरी तरीके से ऑब्जर्व कर लेता है कि ये लड़की ये लड़का ये पागल है, इसको कोई मतलब इसकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं, ये कोई इज्जत वाला इंसान नहीं, ये ऐसा ही है, ये घटिया है, ये लोगों की नज़रों में आप बन जाते हो, लोग इस तरीके से आपको ट्रीट करते, लोग इस तरीके से इस नज़रे से आपको देखते हैं कि ये मेरे पीछे पागल है, पागल मत बनो, अरे जरूरी है उतनी वैल्यू दो, जरूरी उतनी रिस्पेक्ट दो, अगर कोई इंसान रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं देंगे, कोई अगर हमारी वैल्यू नहीं कर रहा है तो हम भी नहीं देंगे, मांगने से वैल्यू नहीं मिलती, मांगने से सिर्फ भीख मिलती है, और वो भीख भी वैसे मिलेगी जैसे कम कुत्ते को रोटी फेंकते ना वैसे मिलेगी, लोग आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, लोग आपकी वैल्यू तब करते, लोग आपकी इज्जत तब करते, लोग आपकी इंपॉर्टेंस तब समझते जब आप लोगों को करने का या फिर इंपॉर्टेंस समझने का मौका दोगे, हम मौका ही कहाँ दे रहे, हम तो हमेशा अवेलेबल है, उसने बोला तू मेरे को मिलना है हाँ आ जाऊँगा, उसने बोला कॉल करेगा हाँ कर लूँगा, उसने बोला रात को 12 बजे हाँ कर लूँगा, उसने बोला मैसेज कर हाँ कर लेंगे, वो बोल रहा मेरे को किस से हाँ कर लेंगे, वो बोल रहा है हर चीज़, अरे हर चीज़ में हाँ बोलोगे तो फिर लोग कहाँ से इज्जत करेंगे, लोगों को ना सुनने का वो आदत डालो ना उनको, ये ना जो उनके कानों में ना शब्द आपके मुंह से निकला नहीं, आपने सोचो खुद को ऑब्जर्व करो कि आपने आज तक उसको कभी ना बोला, नहीं हमने अभी तक ना नहीं बोला, ना बोलना सीखो, नहीं कर पाएंगे आज नहीं हो पाएगा, हमेशा नहीं लेकिन कभी कभी ज़रूरी है, जिससे लोगों को भी लगे कि आप भी वैल्यूबल है, आप निठल्ले की तरह अवेलेबल है, तो फिर एक समय ऐसा आ जाता सर 6 महीने पहले तो अच्छा था अब ऐसा हो गया, 6 महीने पहले तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ, अब क्यों हो रहा है भाई, 6 महीने पहले जब आप करते तब उसको अच्छा लगता था लेकिन अभी लग रहा है पागल एक्स्ट्रा अवेलेबल है, वो इंसान उसी इंसान के पीछे भागेगा जो उसके हाथों में नहीं आएगा, उसके कंट्रोल में नहीं आएगा, साइकोलॉजी के हिसाब से आप समझ लो, लेकिन अगर आप उसके कंट्रोल में, आप उसके हाथों में आ चल मैं तेरे लिए ये, मैं तेरे लिए तो जान दे दूंगा, मैं तेरा ऐसा, अरे अपनी फीलिंग शो मत करो, अपनी सारी फीलिंग्स उसको मत बताओ, आप उसके लिए क्या फील करते हो ये मत बताओ, अगर बता दिया तो फिर वो इंसान उस चीज़ को इतना बड़ा बना देगा, इतना बड़ा इशू बना देगा कि फिर तुम्हें रिलेशनशिप से भगा देगा, क्यों, क्योंकि ये जो चीज़ें ना लोगों को ऐसा बना देता कि ये मेरे पे डिपेंड है, ये मेरे ऊपर जी रहा है, ये मेरे ऊपर जी रही है, ऐसे लोग बन जाते, लोग इस तरीके से ट्रीट करते, लोग इस तरीके से समझते फिर आपको, और इसी वजह से फिर आप पागल बन जाते, और पागल के जैसे पागल कुत्ता होता है ना वैसे आपको निकाल दिया जाता धक्के मार के पत्थर मार के, आपके साथ ही होता है, इसीलिए लोगों को उतनी इज्जत दो जितना वो डिजर्व करते हैं, हर वीडियोज़ में मैं बताता हूँ फिर भी आप नहीं फॉलो करते हैं, इसीलिए आपको बता रहा हूँ, तो फॉलो करना बहुत ज़रूरी है, और हाँ एक चीज़ आप फॉलो कर सकते हैं, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे चैनल को फॉलो कर सकते हैं, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।